हेलो गाइस, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एनिमल्स पीपल रिटन बाय इंदिरा सेना। ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर्स में इंक्लूडेड है। इसमें टेप वन, टेप टू एंड टेप थ्री को हम इसमें समझेंगे इस वीडियो में। तो बिफोर स्टार्टिंग डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और सारे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वॉच द वीडियो टिल लास्ट। सो मूविंग फॉरवर्ड, पहले हम जान लेते हैं इंदिरा सिन्हा के बारे में कि ये कौन थी। एनिमल्स पीपल जो उनकी नॉवल है, ये उसकी ऑब्वियसली ऑथर है। और जो हम पैसेज पढ़ने जो पैसेज हम पढ़ने वाले हैं इन टेप वन, टेप टू एंड टेप थ्री में, ये भी इन्हीं इसी नॉवल से लिए गए हैं। इंडिया में इनका जन्म हुआ था, पर बड़ी इंग्लैंड में हुई है। इनके जो लिटरेरी वर्क होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स थीम्स होती हैं उनमें। एनिमल्स पीपल में कुछ इसी तरह का टेक्स्ट है जो बहुत ही पावरफुल और कॉम्प्लेक्स है। अगर हम हमारे प्रोटैगनिस्ट के बारे में जाने, प्रोटैगनिस्ट का नाम है एनिमल। तो प्रोटैगनिस्ट के थ्रू हमारी जो ऑथर है इंदिरा सिन्हा, ये दिखाना चाहती हैं कि कोई भी सर्वाइवर के स्ट्रगल्स कैसे होते हैं। और इसी बात को इन्होंने एक ह्यूमरस, एक ह्यूमर प्रोन वे में इन्होंने शो किया है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, फटाफट से इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं, इस नॉवल की इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो ये जो है नॉवल एनिमल्स पीपल, ये एक नैरेटिव है और ये प्रेजेंट करती है कि हमारे सोसाइटी में जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़्यादा राइट्स नहीं है, वो अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं और कैसे ऐसे लोगों की लाइफ की चिंता भी नहीं है हमारे स्टेट को, कि हमारा स्टेट, हमारा जो राज्य है कोई भी, वो ऐसे लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देता। जो हमारा नैरेटर है इस नॉवल में, इसका नाम एनिमल है, वो एक डिजास्टर का सर्वाइवर है और उस डिजास्टर की वजह से वो फिजिकल डिफॉर्म हो गया है, यानी कि उसको फिजिकल डिसेबिलिटीज हो गई हैं। इसीलिए उसको नाम दे दिया गया है एनिमल, क्योंकि वो डिफॉर्म्ड है, बुरा दिख रहा है इन शॉर्ट लोगों को। तो नॉवल हमारी ये बातें करती है कि कैसे एक डिजास्टर के बाद एक बड़ा डिजास्टर बचा होता है, यानी कि डिजास्टर तो बीत जाता है पर उसमें जो लोग सर्वाइव कर जाते हैं, जो लोगों को कुछ डिफॉर्मिटी हो जाती है, वो कैसे जीते हैं। तो बेसिकल जो जगह की बात हो रही है, वो जगह का नाम है खौफपुर। यहाँ के लोगों की बात हो रही है, यहीं पे एनिमल भी रहते हैं। तो बेसिकली हमारी ये नॉवल सोशल इनइक्वालिटी, करप्शन और एनवायरनमेंट डिवास्टेशन की बात करता है। फटाफट चलते हैं टेप वन की तरफ, जो हमारी फर्स्ट टेप है। इसमें जो हमारे नैरेटर है एनिमल, वो बताते हैं कि मेरा जो पास्ट था, जो मेरी पहले की जिंदगी से, डिजास्टर से पहले की, वो बहुत डिफरेंट थी। उसमें मैं एक इंसान की तरह फील करता था, एक जानवर की तरह नहीं। अब मैं बहुत डिफॉर्म्ड हूँ। अगेन ये याद करते हैं कि इनका जो बचपन था वो अच्छा बीता था, वो कैसा था, उसमें कैसे ये अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को याद करते हैं कि मैं एक नॉर्मल बच्चे की तरह खेलता था। जो जिसने इनको बड़ा किया उसका नाम माँ फ्रांसी था। सो सॉरी इफ आई एम रॉन्ग एट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड। सो बेसिकली उन्होंने एनिमल को बड़ा किया। एनिमल उन अब का इनका नाम है, पहले इनका एनिमल नाम नहीं था। ये कहते हैं कि पहले मैं एक ह्यूमन की तरह एग्जिस्ट करता था, एक इंसान की तरह था, पर अब मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग आ गई है कि मैं इंसानियत को जानता ही नहीं हूँ। मैं डिस्कनेक्टेड हूँ इंसानों से, ना मैं उनके बिहेवियर को समझ पाता हूँ, ना ही मैं उनके अपीयरेंस को समझ पाता हूँ, क्योंकि वो लोग मुझसे बहुत अलग हो चुके हैं। ये बताते हैं कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि मेरा ह्यूमन पास्ट कैसा था और मैं अब कैसा हूँ, कि मैं अब एक नॉन ह्यूमन की तरह रहना पसंद करता हूँ। एक ऐसा मैं हो चुका हूँ कि मैं एक एनिमल की तरह रहना ज़्यादा प्रेफर करूँगा कंपेयर टू एक इंसान की तरह रहना पसंद अब मैं नहीं करूँगा। मूविंग फॉरवर्ड टू टेप टू, अब हम फटाफट से जान लेते टेप टू में क्या होता है। अब जो चूना राम है वो एनिमल के कंपेनियन है, यानी कि एनिमल के साथ ही रहते हैं, एनिमल के एक तरह के साथ ही है। अब ये बताते हैं एनिमल ग्रेन नरेटर को हमारे, कि एक जर्नलिस्ट है जो एनिमल के बारे में बुक लिखना चाहता है। और जर्नलिस्ट ने बोला है कि जो स्टोरी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे एनिमल के मुंह से ही सुननी है। इसमें मुझे कोई भी आउटर इंटरफेरेंस या कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। एनिमल जो है वो इस बात से गुस्सा हो जाता है जर्नलिस्ट की एरोगेंस से, और मना कर देता है
कि मैं अपनी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि उसको इंसल्टेड फील होता है, क्योंकि जर्नलिस्ट बहुत ही अपनी अजम्पशंस लगा रहा है, पहले ही मान लिया है कि वो एनिमल कैसा है, या फिर मुझे इसके साथ में नहीं आना, या मुझे सिर्फ उसी से कहानी सुननी है, बाकी सब झूठ बोलेंगे, सो एंड सो। तो इसीलिए ये मना कर देते हैं अपनी स्टोरी बताने के लिए। इवेंचुअली जो एनिमल है वो ये डिमांड करते हैं कि चलो मुझे एक भाई जर्नलिस्ट सामने से मिलवा दो, मैं सामने से उससे मिलना चाहता हूँ। बाद में एनिमल को एक पैकेज रिसीव होता है जिसमें उस जर्नलिस्ट के टेप रिकॉर्डर और कुछ शॉट्स होते हैं। एनिमल जर्नलिस्ट के लेटर पढ़ता है और उस लेटर में एक तरीके से समझ लीजिए मैनिपुलेशन बोल लीजिए या फिर पर्सुएशन बोल लीजिए, कि मनाने का ट्राई कर रहे हैं जर्नलिस्ट कि एनिमल सच बता दे और तरीके से अपनी स्टोरी सुना दे। तो इसीलिए वो अपनी स्टोरी को रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं एक अननोन ऑडियंस की तरह। जैसे आईज जो है, आंखें, वो उनको अननोन ऑडियंस मानते हैं और अपनी डिफिकल्ट लाइफ को याद करते हैं कि बचपन से ही, जब मैं पैदा हुआ था तब से लेके अब तक, जब मैं डिफॉर्म हो चुका हूँ पूरा, तब तक की मेरी पूरी लाइफ कैसी रही है, इतने हार्डशिप्स के बाद भी, इतनी सफरिंग के बाद भी, इतना डिजास्टरस एक्सपीरियंस के बाद भी, कैसे ये बहुत ही रेजिलियंट रहे हैं, बहुत ही सहनशीलता है इनके अंदर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। और सोसाइटी में कुछ भी इनके खिलाफ जो रहा हो उसके खिलाफ भी, यानी कि उसके बावजूद भी, इन्होंने कभी भी अपनी जो एक स्ट्रॉन्गनेस है, अपनी एक अपना बिलीफ है, उसको कभी नहीं छोड़ा। और इसी वजह से इस फियर्स नेचर, इस स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी पावरफुल नेचर की वजह से इनको नाम दिया गया है, इनको निकनेम दिया गया है एनिमल। मूविंग टू द लास्ट टेप 3, अब सॉरी यहाँ सेकंड टेप लिखा गया है पर ये थर्ड टेप है। अब यहाँ पे ये जो एनिमल है, ये जो जर्नलिस्ट हैं जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, ये इन पे बुक लिखना चाहते हैं, खौफपुर पे बुक लिखना चाहते हैं, हम जो पढ़ के आए हैं हम पीछे। पहले तो एनिमल रिफ्यूज कर देते हैं कि ये स्टोरी शेयर नहीं करेंगे, पर बाद में मान भी जाते हैं। सब टेप 2 में पढ़ा, ये जो सेकंड सॉरी जो सेकंड पार्ट में हम पढ़ के आए हैं कि ये मान जाते हैं। पर इससे पहले इनके मन में एक थॉट आता है कि इनके दुख को एक तरीके से फेम पाने के लिए यूज किया जाएगा, गलत तरीके से यूज किया जाएगा। एनिमल जो है अब वो जर्नलिस्ट से मिलते हुए हैं अपने कंपेनियन चूना राम के साथ और बताते हैं कि मैं अपनी कहानी क्यों नहीं बताना चाहता, क्या रीजन है। जर्नलिस्ट मनी और बहुत प्रॉमिस ऑफ फेम भी करते हैं कि आपको फेमस कर देंगे, आपको पैसा देंगे, तब भी एक तरीके से बोलते हैं अपनी बातों को दब के दबा दबा के बोलते हैं कि मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे पेन को, कोई मेरे सफरिंग को सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमर के लिए यूज करे। बेसिकली इसलिए पता चलता है हमें कि एनिमल जो है एक बहुत ही यूनिक करेक्टर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, और वो अपनी आसपास की दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। मूविंग फटाफट से अपने थीम्स पे, जो हमारे हमने थीम्स देखी अपने इस तीन टेप्स में, इस टेक्स्ट के तीन टेप्स में, पहला है आइडेंटिटी स्ट्रगल। एनिमल कैसे अपने लिए, अपने रेजिलियंट नेचर पर टिका रहता है, कोई कुछ भी बोले फिर भी वो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है, यानी कि पीछे नहीं हटता इस बात से कि मैं कौन हूँ। पावर डायनामिक्स बेसिकली कि हमारी सोसाइटी में कंट्रोल और ऑटोनॉमी कैसे कुछ लोगों में डिवाइडेड है। सब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रूथ बेसिकली ये पॉइंट बताता है कि हर इंसान की स्टोरी डिफरेंट होती है, हर इंसान अपनी लाइफ को एक डिफरेंट व्यू से देखता है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है हर पर्सन का, एक सब्जेक्टिव नेचर हम बोल सकते हैं। आइसोलेशन वर्सेस बिलोंगिंग, एनिमल ऐसा इंसान है, सॉरी ऐसा एक क्रीचर आप बोल लीजिए है, क्योंकि वो अपने आप को नॉन ह्यूमन बोलते हैं, जो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, जो सोसाइटी में एक्सेप्ट होना चाहते हैं, पर फिर भी वो सोशल आइसोलेशन फील करते हैं, दूसरों से बहुत ही उखड़ा उखड़ा फील करते हैं। सोशल इनजस्टिस ये बताते हैं कि इनको सोसाइटी में कैसे एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। एंड दैट इज द एंड ऑफ आवर टेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव।